हमारी डिमांड यही है कि ईवीएम से ना होके चुनाव जो है वो बैलेट से हो। डेवलप कंट्रीज में किसी एक में बता दे मुझे कोई कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। ईवीएम जिन देशों ने इस्तेमाल करी थी उन्होंने बंद कर दी। आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सारे सिस्टम हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम से क्यों जिद है, ईवीएम से ही करा है। ईवीएम जिन देशों ने इस्तेमाल करी थी उन्होंने बंद कर दिया। लोगों के यहाँ आंदोलन हुए, जर्मनी में एक आंदोलन हुआ ईवीएम को हटाने के लिए, वो लोग सड़कों पे आए तो ईवीएम बंद हो गई। डेवलप कंट्रीज में किसी एक में बता दे मुझे कोई कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। जब आपका मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम पेंटागन हैक हो सकता है तो ईवीएम में क्या परेशानी हैक होने में। आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है, सारे सिस्टम हैक हो सकते हैं, तो ईवीएम से क्यों जिद है, ईवीएम से ही कराया जाए। हमारी डिमांड यही है कि ईवीएम से ना होके चुनाव जो है वो बैलेट से हो, या फिर उसकी दूसरी तरीका ये होता है कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो सारी पर्चियां भी हर वीवीपैट की निकाल के गिनी जाएं। अब वो पर्ची पहले वोटर के हाथ में आए, वो देख ले उसका निशान, उसके बाद वो बैलेट बॉक्स में डाल दे उसे। तो भाजपा जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ईवीएम पे आपको भरोसा नहीं है, इससे पहले की चुनाव ईवीएम से ही उतरे हैं। नहीं, हमें यकीनी तौर पे हमें भरोसा नहीं है ईवीएम के ऊपर। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। बाकी देशों ने क्यों बैन कर दिया ईवीएम को, इसको लेकर के क्या आप मांग उठाएंगे संसद में? मैं तो ये मांग पार्लियामेंट में भी उठा चुका हूँ और मुसलसल हम उठाएंगे, और अपोजिशन के लोग भी ज़्यादातर इस मांग को उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। अच्छा, सबके साइड ही होंगे उस पर, ऐसी बात है तो ठीक है, ये जानकारी नहीं थी। इनका सिल में फैजान कुरी साहब इसने पूछ रहा है, उन्होंने चार पार्टी को तो ये सिर्फ बात पे ही हो, कमजोर को मकसद ये है कि कमजोर कर दिया भैया है 20 साल, हम तो खुद पकड़े ही खबर जाना है। अब ये अगर ये बेईमानी होने के चांस खत्म हो जाए तो फिर फाइनल उसकी होगा सही तो ठीक नहीं, वो 30-35 साल पुराना, 30 साल तो उस आदमी ने क्या कहा कि मुझे गैस का चूल्हा सिलेंडर दिला दो, बताइए मुख्यमंत्री से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।